G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। भारत में आयोजित किए गए इस सम्मेलन की तारीफ दुनिया भर के देश कर रहे हैं। हालांकि G20 शिखर सम्मेलन की प्रेसिडेंसी भारत को पिछले साल ही मिली थी, लेकिन भारत सरकार 2 साल से इसकी तैयारी में लगी थी। इस सम्मेलन को सफल बनाना यह भारत के लिए काफी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक तरफ जहां पश्चिमी देश इस सम्मेलन में यूक्रेन का मुद्दा उठाकर रूस को घेरने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने यह कह दिया था कि अगर इस सम्मेलन में यूक्रेन का मुद्दा उठाया जाता है तो फिर यह सही नहीं होगा। तो ऐसे में भारत के ऊपर दोनों ही तरफ से दबाव था, लेकिन भारत ने अपनी बेहतरीन कूटनीति की बदौलत न केवल इस पूरी बैठक को सकुशल संपन्न कराया, बल्कि अपने इंतजामों को लेकर दुनिया भर का तारीफ बटोरा। 9 और 10 सितंबर को G20 की मेन बैठक हुई थी, लेकिन इसके पहले भी G20 की काफी सारी बैठकें हुई थी, जिसमें कभी G20 मेंबर देशों के रक्षा मंत्री शामिल हुए तो कभी उनके विदेश मंत्री शामिल हुए। इसमें एक बात जो नोटिस करने वाली है वह यह है कि G20 की जितनी भी बैठकें हुई थी और जहां जहां हुई थी वहां पर भारत सरकार ने बहुत ही बेहतरीन इंतजाम किए थे। डेकोरेशन वगैरह पर सरकार ने इतना ज्यादा पैसा खर्च किया कि देखने वालों के मुंह से अपने आप तारीफ निकल गई। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि सरकार ने अगर इतने ज्यादा बेहतरीन इंतजाम और इतने बेहतरीन डेकोरेशन किए थे तो जाहिर सी बात है कि इसमें पैसा भी काफी ज्यादा खर्च हुआ होगा। लेकिन मेन सवाल यही है कि आखिर कितना पैसा खर्च हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि G20 बैठक के लिए सरकार ने कितना ज्यादा पैसा खर्च किया है, क्योंकि बैठक में हुए खर्चे को लेकर सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया गया है। और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इसके पहले की हुई बैठक में बाकी देशों ने कितना ज्यादा पैसा खर्च किया था। अब दरअसल पूरी बात यह है कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 9 से 10 सितंबर को हुए इस समिट में 4100 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा हुआ है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि साल 2023 और 24 के बजट में इस सम्मेलन के लिए 990 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था। मतलब बजट था 990 करोड़ और खर्च हुए 4100 करोड़, यानी कि इस सम्मेलन में बजट का 4 गुना अधिक खर्च हुआ है। अगर आपको भी लग रहा है कि सरकार ने इसके लिए काफी ज्यादा पैसा वेस्ट किया है तो यहां पर आप ठहरिए और पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि सरकार ने इतना ज्यादा पैसा खर्च होने के पीछे का कारण भी बताया है। दरअसल सरकार का कहना है कि इस सम्मेलन के लिए हमने कई सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए हैं जो आने वाले कई दशकों तक उपयोगी साबित होंगे। इस सम्मेलन में सबसे ज्यादा पैसा दिल्ली को सजाने में खर्च हुआ है। भारत मंडपम जैसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो बने तो हैं G20 के बजट से, लेकिन यह आने वाले कई दशकों तक देश को गर्व महसूस कराएंगे। खैर, इस बैठक के लिए भारत ने 4100 करोड़ खर्च किया यह तो आपने देख लिया, लेकिन अगर हम बात बाकी देशों की करें तो पहले नंबर पर इंडोनेशिया आता है। साल 2022 यानी कि पिछले साल G20 की बैठक इंडोनेशिया के बाली में हुई थी और इस बैठक को संपन्न कराने के लिए इंडोनेशिया ने करीब 374 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया था। दूसरे नंबर पर जापान आता है। साल 2019 में जब कोरोना शुरू हुआ था तो उस साल G20 की बैठक जापान में हुई थी और उस वक्त जापान ने इस बैठक को सकुशल संपन्न कराने के लिए $320 मिलियन यानी कि 2660 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसी तरह तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना आता है, जिसने 2018 में G20 की बैठक को सफल कराने के लिए कुल 931 करोड़ रुपए खर्च किए थे। चौथे नंबर पर जर्मनी आता है। साल 2017 में G20 का शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के अधिकारी G20 की वेबसाइट के अनुसार जर्मनी में हुए इस सम्मेलन में 642 करोड़ रुपए का खर्च आया था। पांचवें नंबर पर चीन आता है। साल 2016 में G20 शिखर सम्मेलन की बैठक चीन में आयोजित की गई थी। इस बैठक में अपना पावर दिखाने के लिए चीन ने $24 बिलियन यानी कि 1,90,000 करोड़ रुपए के बराबर का रकम खर्च किया था। इस तरह देखें तो G20 के कुल मेंबर देशों ने मिलाकर उतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया है, जिसका 2 गुना पैसा चीन ने अकेले खर्च किया। खैर, इस पूरे लिस्ट में अगर किसी देश ने G20 की बैठक के लिए सबसे कम पैसा खर्च किया है तो वह है रूस। दरअसल साल 2013 में G20 की बैठक रूस में हुई थी और रूस ने इस बैठक को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगभग 2 बिलियन रूबल यानी कि 170 करोड़ रुपए से अधिक का रकम खर्च किया था। जहाज खराब होने के कारण भारत में रुककर अपनी बेइज्जती कराने वाले कनाडा की बात करें तो कनाडा ने साल 2010 में G20 की मेजबानी किया था। इस समिट को सफल बनाने के लिए कनाडा ने उस वक्त तकरीबन 4,351 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया था।